ईओडब्ल्यू की टीम ने नॉन दफ्तर में फिर छापा मारा है। ईओडब्ल्यू की टीम ने नॉन दफ्तर में छापामार कार्रवाई की और उसने नया रायपुर स्थित नॉन के ऑफिस पहुंचकर ईओडब्ल्यू ने 5 से ज्यादा अधिकारी दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। नान घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। ले आए थे, कुछ फाइल ले गए थे, उनको अध्ययन किया गया, उसके अलावा और फाइलों की जरूरत महसूस हुई। चना है, चावल है और पीडी मटर दाल है, तो पीडी मटर है, इनसे रिलेटेड वो फाइल सब देख रहे हैं और वो फाइल हम लेके जाएंगे। अब किस तरीके से दस्तावेज है सर, क्या किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ी थी उस समय 2011 से 14 के बीच का है? 2011 से 14 के बीच के जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों की खरीदी और वितरण का काम होता था, तो उनसे संबंधित फाइल्स हैं ये। 14 के पहले जो कलपड़ियां हुई थी उसकी भी फाइल? ऑब्वियसली 2011 से 14 के बीच में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके संबंध में वो फाइल देख रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आ पाया है सर इसमें? अभी तक क्या निकला है क्या नहीं निकला है विवेचना जारी है, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर से सीधे हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह देखा जाए कि नॉन घोटाले को लेकर जिस तरह की कार्रवाई ईओडब्ल्यू कर रहा है, उसमें अभी क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए सर, नान घोटाले मामले को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम एक बार फिर नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर पहुंची है। मैं एक तस्वीर अभी दिखाना चाहूंगा। ये नागरिक आपूर्ति निगम का ऑफिस है जो नया रायपुर में मौजूद है। यहाँ पर सेकंड फ्लोर में नागरिक निगम आपूर्ति का जो ऑफिस है वो है और वहां पर तमाम जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है वो दस्तावेजों की बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो डीएसपी समेत 4 जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है इस पूरे छापेमार कार्रवाई में शामिल है। अंदर पूरी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा जो एमडी है नागरिक आपूर्ति निगम के, उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, चर्चा उनसे की जा रही है। जिस तरीके से 2 दिन पहले शरद यहाँ पर नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा था, जो 2011 से लेकर 2014 की जो गड़बड़ियां नान के ऑफिस में हुई थी उसको लेकर ही लगातार जांच ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और उसी सिलसिले में यहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर पहुंची है। और 2 दिन पहले भी यहाँ पर छापा मारकर कुछ दस्तावेज जो अधूरे रह गए थे वो यहाँ से हासिल किए थे। कई दस्तावेज जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं वो यहाँ से लेकर गए थे। उस दस्तावेजों की अध्ययन करने के बाद कुछ और दस्तावेजों की आवश्यकता ईओडब्ल्यू की टीम को पड़ी है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से चावल का वितरण और खरीदी किया गया था उससे संबंधित दस्तावेज है, जो पीली चना सामग्री है उसकी दस्तावेज है, तमाम जो खरीदी बिक्री वहां पर उस दौरान हुई थी, तमाम उन दस्तावेजों को निकालने की कोशिश यहाँ पर ईओडब्ल्यू के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले जो नान का पुराना ऑफिस था अवंती बिहार में, वहां पर फाइलें जब्त की गई थी, उस फाइले में कुछ और फाइलों की आवश्यकता पड़ी, उसी सिलसिले में यहाँ पर 2 दिन पहले टीम आई थी और फिर अध्ययन करने के बाद कुछ और फाइलों की आवश्यकता पड़ी है, तो उसी के सिलसिले में ये जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो मौके पर पहुंची है। हमारे जो डीएसपी हैं ईओडब्ल्यू के अनिल बक्सी, उनसे भी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरा जो छापामार कार्रवाई है नान के ऑफिस में 12 फरवरी 2015 में की गई थी, उसी से नान घोटाले का पता चला था। उसके बाद कई अधिकारियों की ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी, करोड़ों रुपए के अधिकारियों से भी मिले थे, तो उस मामले की जांच उस दौरान चल रही थी। हालांकि कांग्रेस सरकार आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और उसी एसआईटी की टीम लगातार इस मामले में जांच कर रही है। 2015 में पूरी छापेमारी कार्रवाई की गई सर, लेकिन उससे पहले की गड़बड़ी जब ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी तो ईओडब्ल्यू की ये आधार मिले कि 2011 से ये पूरी गड़बड़ी चल रही है, तो 2011 से 2014 के जितने भी फाइल है उसको खंगालने की कोशिश ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। यानी कि 8 साल का लंबा समय वक्त बीत चुका है और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू की टीम लगातार फाइलों की खाक छान रही है। ऐसी कई फाइल है जिसमें दाल की हम बात करें, चावल की बात करें, जिसकी अनियमितता सामने आई है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, तमाम जानकारी के लिए।